करी दो तुला यीशु मसीहा आनंदानी गातो तुझा महिमा। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, फिलिप्पी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 से 20 तक। मसीह आपको आशीष दे। मुझे प्रभु में इसलिए बड़ा आनंद हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम इतने दिनों के बाद फिर पल्लवित हुआ। इस पर पहले भी आप लोग मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर नहीं मिल रहा था। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे किसी बात की कमी है, क्योंकि मैंने हर परिस्थिति में स्वामित्व होने सीख लिया है। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से कुछ भी कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। फिलिपियो, आप लोग जानते हैं कि आपने सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं दुनिया से चला गया तो आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं तेसलनिके में था तब आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि दो बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ती जाए। जब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। एपाफ्रेडितुस से आपकी भेजी हुई वस्तु पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्रह बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है।
हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 17 वाक्य 5 से लेकर 10 तक।